साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता काली पटियाले वाली के चमत्कारों के बारे में भक्तजनों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि भक्तजनों जो माता काली है बहुत बड़ी शक्ति है शिव शंकर भोलेनाथ जी की। तो भक्तजनों, जब भी आप कभी पटियाले के मंदिर में जाते हैं, माता काली जी के मंदिर में जाते हैं, तो माता रानी के सन्मुख जब भी आप जाते हैं, माता रानी के जब आप दर्शन पाते हैं भक्तजनों, तो तुरंत ही माता काली की जो शक्ति है, इस मंदिर की जो शक्ति है भक्तजनों, तुरंत ही आपके दुखों का निवारण कर देती है भक्तजनों। तो इसके लिए आपको कोई साधना भी नहीं करनी पड़ती भक्तजनों, किसी तंत्रिक विद्या का आपको प्रयोग भी नहीं करना पड़ता भक्तजनों, केवल थोड़ा सा भोग प्रसाद लुहा चढ़ाने से ही माता रानी ये प्रसन्न हो जाती है और आपके सभी दुखों का निवारण कर देती है भक्तजनों। और जो भी भक्तजन माता रानी के मंदिर में जाता है भक्तजनों, माता रानी के जो भी भक्तजन दर्शन करता है, तो अपने दुखों का निवारण करता है और माता रानी का गुणगान गाता है उसके बाद भक्तजनों, क्योंकि माता काली भक्तजनों चमत्कार के रूप में अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण कर देती है। और यह जो माता काली जी का मंदिर है, जो इस मंदिर में ज्योति प्रचंड है भक्तजनों, जो ये ज्योत आई हुई है कलकत्ते से, महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाले के राजा इस ज्योत को लेकर आए थे, माता रानी की उन्होंने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करवाई थी भक्तजनों, तो तभी से माता रानी अपने भक्तों के दुखों का निवारण करती है। जो भी भक्तजन माता काली के मंदिर में आते हैं तो वह अपने दुखों का निवारण करते हैं और अपनी झोलियाँ खुशियों से भरकर लेकर जाते हैं माता रानी के दरबार से। और जहाँ पर जो भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है भक्तजनों, माता काली पटियाले वाली के मंदिर में तामसिक रूप में भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है और सात्विक रूप में भी भक्तजनों भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। कैसी भी अगर आपके घर में कोई बुरी विद्या लगी हुई है, किसी तंत्रक ने आपके घर को बांधा है, आपके शरीर को बांधा है, कैसा भी अगर आपके शरीर के ऊपर कोई बंधन हो, तो जब भी आप माता काली के दरबार में जाते हैं, माता रानी के जब आप दर्शन पाते हैं, तो माता रानी तुरंत ही आपके दुखों का निवारण कर देती है। इतनी बड़ी शक्ति है भक्तजनों माता काली पटियाले वाली की। तो भक्तजनों, अगर आप भी अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं और जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, अगर आप उसका निवारण करना चाहते हैं, और जो भी आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, आप अपना हर कार्य सफल करना चाहते हैं, तो आप माता रानी के मंदिर में जाएं और जो भी आपके मन की इच्छा है उसको माता रानी निर्विघ्न संपूर्ण करेगी भक्तजनों। जो भी श्रद्धा के अनुसार माता काली पटियाले वाली के मंदिर में भक्तजनों जाएगा। तो भक्तजनों, अगर आपके घर में कोई इस प्रकार की कोई बाधा है, कोई बुरी बाधा है, किसी प्रकार की भी अगर कोई समस्या है, तो भक्तजनों मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस विधि के अनुसार माता काली पटियाले वाली के मंदिर में भक्तजनों जाएंगे, वह भोग प्रसाद अगर आप माता रानी को अर्पण करेंगे, तो आप एक चमत्कार देखेंगे। चमत्कार क्या देखेंगे भक्तजनों, कि जब आप माता रानी के दरबार में जाएंगे तो तुरंत ही आपके दुखों का निवारण होगा, जो भी आपका कार्य कोई सफल नहीं हो रहा वह निर्विघ्न संपूर्ण होगा माता काली के दरबार में जाते ही। तो भक्तजनों, अगर आप अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं, तो आपने जो भेंटा अपने घर से लेकर जानी है, एक नारियल पानी वाला, और उस नारियल के ऊपर आपने भक्तजनों एक चुनरी बांध लेनी है, और चुनरी के ऊपर भक्तजनों आपने जोड़ा मौलियों का बांध लेना है, और मौलियों का जोड़ा बांध लेने के बाद भक्तजनों इसको आप पूरे घर में से वारें, जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उसके ऊपर से वारें। अगर आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा भक्तजनों, तब आपने जहां पर आप कोई दुकानदारी का काम करते हैं उस कारोबार के ऊपर से वारने के बाद यह भेंटा आप माता काली जी के मंदिर में लेकर जाएं, और उसके बाद भक्तजनों जो तामसिक भोग प्रसाद माता रानी को भेंट के रूप में अर्पण करते हैं, तो एक मदरा की बोतल, एक शराब की बोतल और एक अदिया भक्तजनों बाबा भैरवनाथ जी का मदरा का आपने माता रानी के मंदिर में
लेकर जाना है। और जो आपकी श्रद्धा है लड्डुवन का भोग भी आप अर्पण कर सकते हैं माता रानी के दरबार में, बर्फी का भोग, पेड़े का भोग या देसी घी का हलवा बनाकर भी भक्तजनों आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। और एक चुनरी माता रानी को भक्तजनों आप मंदिर में जाकर अर्पण करें और एक पुष्पों का, एक फूलों का भक्तजनों माता रानी को आप हार अर्पण करें। और जब भी आप भक्तजनों ये भेंटा माता रानी को अर्पण करेंगे, माता रानी को प्याले का भोग प्रसाद, जो भी चुनरी, जो भी भेंटा आप अर्पण करेंगे, तो तभी आपके दुखों का निवारण होगा और आपका हर कार्य निर्विघ्न भक्तजनों सफल होगा। माता काली को भोग प्रसाद लगाएं भक्तजनों, बाबा भैरवनाथ जी को भोग प्रसाद लगाएं, और जो भी वहां पर वैष्णव मंदिर हैं भक्तजनों वहां पर भी उसके बाद आप सारे मंदिरों में थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पण कर सकते हैं। आप एक बार दर्शन करें भक्तजनों माता काली पटियाले वाली के मंदिर में जाकर, तो जो भी आपके घर में कोई तांत्रिक विद्या है, जो भी कोई बुरी वादा है भक्तजनों, तो तुरंत ही उसका भक्तजनों निवारण करेगी माता रानी चमत्कार के रूप में। आप एक बार मंदिर में जाएं तो भक्तजनों माता काली के आप चमत्कार देखें। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता काली के दरबार की ये महिमा, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।